रेडी ओके अच्छा जय हिंद। आप सब लोगों को मैं चिनार कोट डैगर डिवीजन और जेएनके पुलिस की तरफ से यहाँ वेलकम करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमें ये इंटेलिजेंस आ रही थी कि पाकिस्तान के तंजीमें यहाँ उड़ी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं और उनका मुद्दा था यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति बहाल हो रखी है उसको और बारामूला उड़ी तहसील के अंदर कोई खलबली करना, किसी आईडी के तहत कोई एक बड़ा धमाका करना और एक टेररिस्ट ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पीस को डिस्टेबलाइज करना। इसी इंटेलिजेंस इनपुट्स के मद्देनज़र फौज ने और पुलिस ने अपना इंटेलिजेंस और CICT ग्रेड को और मजबूत किया और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारी जो डैगर डिवीजन की फौज की आगे एम्बुशेस ले कर रहे थे उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से साइड किया। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट ये LOC क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाले के नज़दीक। इमीडिएटली कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेके 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने UBGLs, MGLs और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहाँ थी उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है, तो उसके हिसाब से एम्बुशेज ने रिसाइट किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन 30 मिनट तक के लिए चली जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नज़दीक में है उनके फायर स्पोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इस पे ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहाँ क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए, पाकिस्तान फौज ने हमारी क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया वहाँ जंगल एरिया के अंदर ये जाके वहाँ गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहाँ ही वॉज किल्ड देयर एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहाँ से रिकवर की गई। एंड वेदर बड़ा ख़राब था इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है, अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहाँ तैनात हैं एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, 1 टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है। एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से गुलाबेज है टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलविज है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। देखिए ये इनका टेररिस्ट का ये एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि जब ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं ये बुरे मौसम का लहजा लेते हैं एंड आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से यहाँ हमारे बहुत बारिश पड़ रही है और मौसम बड़ा ख़राब था, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है इन्होंने। एंड जब भी ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की फ़ौज जो वहाँ पोस्टें रहती हैं वो मुलविज़ रहती हैं इनकी सपोर्ट के दौरान,
एंड इस ऑपरेशन में जिस प्रकार से वो तीसरे टेररिस्ट को उन्होंने एक्सफिल्ट्रेट करने में कोशिश मदद की, ये पाकिस्तान फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मुलविस करता है। थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड ये पूरा ऑपरेशन जॉइंटली कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। इस ऑपरेशन के अंदर जब ये कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की SOGs भी एक्शन में आई, उन्होंने भी वहाँ पे आके हमारे साथ कॉर्डन में पार्टिसिपेट किया। और ये पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठी इंटेलिजेंस थी, फौज की इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट्स और जम्मू एंड कश्मीर की इंटेलिजेंस। इसके अंदर दो AK-47, एक AK-47, एक AK-74, 7 मैगजीन्स, कुछ एमिनेशन है और एक चाइनीज पिस्टल और कुछ राउंड एंड कुछ ग्रेनेड्स भी हैं इसके अंदर। कुछ पाकिस्तान करेंसी भी है एंड सम इंडियन करेंसी, उसकी डिटेल्स हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर एक 5 किलोग्राम्स की ID रिकवर की गई है और हमारा अनुमान है कि ये ID के साथ वो किसी सेंसिटिव टारगेट, यानी कि कोई माइनॉरिटी पॉकेट्स या कोई भी हमारे इस एरिया में जो सेंसिटिव टारगेट है उसके साथ ये इस बड़े ID को यूज़ करना चाहते हैं।